नहीं अभी नहीं अभी आए करेंगे पूजा कराएं तुम्हारी अरे संग तो आ जाओ सब कहाँ है संग की नो आराम से आराम से किसने किया बस कमर से श्रृंगार सावरे
कैया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कैया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कैया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कैया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रही सलामत हाथ सलाम जिसने तुम्हें सजाया, मैया रुक्मणी हो भगवान की पैर पूजना चाहते हो तो कृपया एक एक से आए और मैया के आगे पाय पखंडी करें। जो घर पाय पखंडी करना चाहते हो वो एक एक से आए और मैया की ठाकुर की पाय पखंडी करें। बोले कन्हैया बोल कि तुमको कौन सा भजन सुनाऊं, बोले कन्हैया बोल मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोले कन्हैया बोल कि तुमको कौन सा भजन सुनाऊं, बोले कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई गान बता दे तू ना मैंने गाऊं, ऐसा कोई गान बता दे तू ना मैंने गाऊं। शहर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है, दूल्हा बने है नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं। हर शहर में धूम मची है, हर शहर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है, जुड़ी का जवाब नहीं, बनी है नंदलाल से जुड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं।
मेरी कुंडलपुर की, रुक्मिणी है कुंडलपुर की, रुक्मिणी है कुंडलपुर की, यार कभी है नंदलाल बिजुड़ी का जवाब नहीं, ओ यार कभी है नंदलाल बिजुड़ी का जवाब नहीं, लबनी है नंदलाल बिजुड़ी का जवाब नहीं, लबनी है नंदलाल बिजुड़ी का जवाब नहीं। Yeah.
फूलों की होली होली 5 मिनट उसके बाद में सुगमाचार्य जो मुझे करी बड़ी जोड़ी तो सुन ले नंद किशोरी जो मुझे करी बड़ी जोड़ी तो तेरी मेरी पत्नी है चली Oh,
क्या बोली के धीला नहीं पास हुई और भीत कहा ले जा पूछी मुझे सामनो सुबह को कहा बताओ भेंट के लिए कुछ भी नहीं तो यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोस ने पास पाव सिर चामर दी आई सही तो मुलास सुशीला पड़ोस के हक में अब समझो भैया इन तीन हिंदी कबू नहीं बिगा रहे तेरे व्यक्तियों से कौन कौन सी रही मन ये न विरोधी गुरु पंडित कबीरा बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावनहार यज्ञ करावनहार राज मंत्री करे ये नाम दया है तो दया
सुदामा जी जा रहे हैं। मुझे पता है कि राजा बने द्वारका बीच में शायद इन्हीं फटी पुरानी वस्त्रों में मुझे पहचाना या नहीं पहचाना, वो तो राजा है। मन में सोचते हुए शंका करते हुए जा रही हूँ। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बाला दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। चली जा रही है रस्ती में, जा रही है कांटी लग रही, कंकर लग रही, चावलों को छपा, कहाँ पहुंच गई? गोमती नदी के किनारे पहुंच गई। गोमती नदी में बाढ़ आ गई, घनघोर पानी की बरसात, परीक्षा की घड़ी आ गई। सुदामा कहाँ खड़ी? गोमती नदी के किनारे। तो क्या कहती है कि उठती अति जल तर दिखे ना नौका है, और बिना द्वारकाधीश को पार करैया पसारे सुध ले गो बंसी बजैया सुदामा बोली सो जाऊं अपने आप जिसकी शरण दे जा रहा हूं वो अपने आप ध्यान रखेगा। भगवान केवट बन के आ गए, द्वारकाधीश केवट बन के आ गए।
नाम लेके आएगी। सुदामा क्या सोच रहा है? अरे ये सोच रहा हूँ जब नदी के पार को करे वो। भगवान बोले भैया जा नदी के पार करने हुए मल्लाहो मल्लाह मल्लाह मैं नाव लेके आयो बैठ जा नाम में अपनी भक्त के कार्य करने को भगवान चाहे जैसा रूप बना लेते हैं। तुलसी बाबा ने कहा है जागी रही भावना जैसी ओ प्रभु रत देखी तैसी केवट बन के सुदामा नाम में बैठ गए और नाव पहुंची बीच नदी में। केवट अंदर चला रही भगवान बीच नदी में नाव पहुंची। भगवान बोले भैया अब तो हाथ थक गए नाव डूब रही है। सुदामा बोले भैया केवट डुबाए मत मैं कितों को नहीं रहूं बच्चों से भी पिछड़ गया और द्वारकाधीश से भी नहीं मिल पाया मैं कितों को नहीं रहूं क्या कह रहा है सुदामा कर दो अधम की नैया कर दो अधम की नैया उस पार हो कन्हैया कर दो अधम की नैया उस पार हो कन्हैया कर दो अधम की नैया उस पार हो प्रभु तुम ही सुन लो कर दो अधम की नैया उस पार हो कन्हैया द्वारकाधीश जैसा भी हूँ अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ ऐसा नहीं प्रभु मुझे डुबाओ माओ घर मेरे बच्चे रोएंगे और उधर में परमात्मा से भी नहीं मिल पाया ऐसी निठुर मत मरो भगवान बोले केवट बने हुए सुदामा घबराए मत पार निकाल भैया उतर आई दे सुदामा बोले ये चावल ले ले तो भाई करते हैं मुतवारी का दिशा चावल छुपा रहे भगवान बोले भैया तू चावल तो भले तो खाई ले पर तेरे पास और भी है उसे दे क्या है दरिद्रता तो है सुदामा बोले हाँ ये तो भैया सुदामा की दरिद्रता भगवान ने गोमती नदी के किनारे ले ली पर कुछ समझ नहीं पाई देन हो तो सो दे चुको विप्रन जानी गाता समझ नहीं पाए कि क्या ले लिया क्या दे दिया पार कर दिया सो गई वृक्ष के नीचे भगवान चले गए ऐसी जादू किया भगवान ने कि सोते हुए सुदामा को द्वारका के दरवाजे पर खड़ा कर दिया चलेंगे तो परेशान जो दिखे महल तो गुजरात में कहते हैं कि द्वारकापुरी छे ये गुजराती भाषा है द्वारकापुरी छे सुदामा नहीं भैया एक द्वारका है द्वारका है दरवाजे पे द्वारपाल खड़े हुए थे और क्या बोली द्वारपालों से सुदामा
कि श्री कृष्ण से मेरी पुरानी यारी है और तुम कर दियो भैया जाके खबर हमारी बने द्वारकाधीश हम बने भिखारी हैं और ये समय समय की बात इन कर्मन की गति न्यारी है शरण सुने मैंने अरे द्वार पालो असरण शरण सुने मैंने यह सुन के आयो है और ये दरिद्र जो मन की बात कहा मुख जो भाई भाभी ने कुछ दे होगो चावलों को छुपा रही थी। सुदामा ने कही जी कांख में का है भगवान बोली कांख में का लगवाए सुदामा बोली फोड़ा है लगवा थोड़ा भगवान बोली फोड़ा है क्या तुझे दिख लू कैसे हो पोटरी कांख में से खींच ली खोली एक मुट्ठी चावल एक लोग दे दिए दो मुट्ठी चावल चबाए दो लोग दे दिए तीसरी मुट्ठी काने कुबेर रुक्मणी ने हाथ फाड़ दिया स्वामी कुछ हमारा भी ठिकाना है विश्वकर्मा को आदेश दे दिया विश्वकर्मा सोने की सुदामापुरी बना दो विश्वकर्मा ने झोपड़ी की जगह पे पूरी पूरी सुदामापुरी सोने की बना ली महल बनाई इधर में अब शरणों की तरफ निगाह गई पर आत्मे भर के पकड़ी गया तो देख सुदामा की दीन दशा करके करुणा करुणा निधि हुई तो पानी परा तक हाथ छुओ नहीं नैनन की जल सो पग धोई आप उसी आंसू की धारा कांटे लगे हुए चढ़ों में निकालते तो खून की धार बहती भोली द्वारकाधीश रानी सब कलश भर के ले आऊं सुदामा स्नान करा सुदामा बोली इति कलशंती स्नान करे वो 16,160 होगा तो सर्दी लग जाएगी मुझे तो रस्सी बाल्टी दे दू तो कुआ पे ला आओ ऐसे नहीं एक एक बूंद सब कलशों में ले दो सुदामा को स्नान कराई अच्छी वस्त्र पहना दिए बढ़िया सुंदर कुर्ता सुंदर धोती सुंदर स्वास्थ्य इधर महल बन गई सोने की लक्ष्मी जी गई तो लक्ष्मी जी जाके सुशीला को श्रृंगार कर आई गहने जड़ाऊ साड़ी जड़ाऊ गहने बच्चों को भी जड़ाऊ जो कोट पहना दिए वस्त्र जड़ाऊ बच्चे भी पहन रहे हैं सुशीला के तो सुदामा कछु नहीं पता 36 तरह की व्यंजन बने व्यंजन की थाली सुदामा के सामने सुदामा की आंखों में आंसू सुदामा क्यों रो रहे हो मैं भोजन करूं सुशीला और बच्चे भूखे क्यों एक मास दो पक्ष में और दो एकादशी हुई हमारे तो घर में प्रभु नित्य एकादशी भगवान बोले भैया अब चिंता मत करें ओ नो कोई सो है गयो अब हमें कौन आए और तुम्हारे घर में तो भैया नित्य द्वादशी
सुदामा तो नहीं समझते महल सोने की जड़ाव साड़ी के लिए भंडार भर गए मेवा मिष्टानों से सुदामा पुरी में। पर सुदामा बोली रोजाना भोजन करवा रहा हूं पर खाई में कछु ना दे रहा हूं, दक्षिणा में तो कुछ दे ही ना रहो जी, आओ तो मैं बड़ी के ले हूं, सुशीला ने तो बड़ी को पहुंचाऊं। कैसे? ऐसे ही एक सेठ जी है, सेठ जी, सेठ जी थे तीर्थों में गए, एक पंडित जी महाराज को सेठ जी ने गुरु बनाए। अरे भैया घटा उठ रही है, सुदामा बोली उठन दे।
तो सुदामा ने कही नहीं सामन मास सुरंग रखो, सामन को महीना है वो घटाओ ठरिए मन जाए। सुदामा बोले भैया तू विदा कर ले तू कर चल, चल। दोनों मुट्ठी बंधी हुई थी, दरवाजे पे आए और कही देख सुदामा यूं ही चलो जी मुट्ठी खाली। सुदामा बोले कि जा मुट्ठी में कच्ची होगा दूसरी में होते भी दो कदम आगे चले वो मुट्ठी खोल दी कि ऐसे ही चल कहा भयो सो अब भयो वही हर को राज समाज ये घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के। कल देखो जी माखन चोरी का तो फिर तो आज राजा पंडित जाने मुझे कछु ही ना देना। सुशीला ती कहने को धने धन्य सके लिखे इतनी क्रोधित हो रहे और जो पहुंचे सुदामापुरी तो बैसे ही महल बैसे ये प्यारी द्वारिकापुरी जैसे सोने की महल। सुदामा बोली मैं भूल के कहूं द्वारिका में तो नहीं आगो लौट के ये महल किसके। प्रवासी बोले भैया तुम्हारे ये मेरे तुम मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे जो दुखी तुम कौन हो मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला
ये साड़ी जड़ाऊ गहने ये बच्ची ये कहाँ से आई? स्वामी तुम द्वारका गई, विश्वकर्मा आयो, विश्वकर्मा ने ये सोने की मेल बनाई, लक्ष्मी जी आई तुम मेरे श्रृंगार पर गई। गजब, मैं कैसे मानू कि ये विश्वकर्मा ने भगवान ने आदेश देके बनवाई? तो देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या, अपन मकान बनाते हैं एक मंदिर जरूर बनाते हैं, चाहे छोटो बनावे चाहे बड़ो बनावे। सुशीला ने विश्वकर्मा से एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में द्वारकाधीश की मूर्ति की भी स्थापना की। ले गई सुशीला द्वारकाधीश की उस मूर्ति के सामने और कहा, प्रभु यदि तुमने आदेश देके महल बनवाया हो तो प्रकट है कि मेरे स्वामी से कह दो कि मैंने ही आदेश दिया, मैंने ही महल बनवाया। भगवान द्वारकाधीश सुदामा के महल में प्रकट हो गए भगवान की। और क्या कहा, सुदामा ये महल विश्वकर्मा को मैंने ही आदेश दिया, मेरे आदेश थे विश्वकर्मा ने बनाए। तो फिर क्या कहने लगी सुदामा, मेरे सामने सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, मेरे सामने सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, मेरे सामने सलोने क्यों श्रोता बत्ता ज्ञान निध कथा राम की गूढ़ किम समझे ये जीव जड़ कलिमल ग्रसित विभूढ़। भगवत कृपा हुई, सात दिन कथा सुनाई, हमारे साथ में तबला भाई द्वारका भैया, ये हर कथा में हमारे साथ रहते हैं, कहीं भी कथा हो
ये पेट पे है सुमंत भैया पहाड़गढ़ के, ये संजय भैया है परसोटे के, सब जाने पहचाने हैं, अच्छे कलाकार हैं। और सुपात के सज्जने जब कहें तब तैयार। अब की हमारे साथ में पठन पे जो है हमारे पठन पंडित जी कर रहे हैं, बालक है छोटा पर विद्वान है, वृंदावन में रहे प्रदेश भैया। मुन्ना लाल जी हमारे गांव के बरनी पे हैं, शुक्ला जी हमारे साथ में है, कुन्नी पे बैठे हैं रामेश्वर भैया ये रायपुर के, सब यहाँ जितने भी हैं सब व्यवहार कुशल कार्य कुशल है। ये चार वर्ण क्यों करते हैं? चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, इस चार वर्ण इसका जप करते हैं। धन्य है भगवान, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जितने भी भाई बैठे हैं, जितनी माता बहने बैठी हैं, भगवान सब पर कृपा करना, सबके भंडार भरना, सबकी मनोकामना की पूर्ति करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयौ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। सबका कल्याण। अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, पहले हम कहेंगे उसके बाद में सब कहोगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सब बोलो नाम, नाम संकीर्तनम, संकीर्तनम यस्य, यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामौ, प्रणामौ दुःख समनस्तम, दुःख समनस्तम, नमामि हरिः परम, नमामि हरिः परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। ऐसा कहते हुए बाड़ी को विराम देते हैं। बोल बोल चल भगवान की। इस तरह से भैया अब एक अंतिम भजन है हमारे साथ में, हमारा बड़ा बालक है देवेंद्र, ये बड़ा बच्चा है, रात दिन सहयोग के लिए साथ में व्यवस्था के लिए एक अंतिम भजन, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का जाते रहना,
आपसे इधर देखें एक मिनट सभी अभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए नीचे पहुंचे आप पहले आगे आगे जाना भैया आरती के लिए बाकी बिहारी की आरती गाओ बिहारी की आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ गिरिधर तेरी आरती गाओ भैया रे
बिहारी बाकी बिहारी आरती गाँव बिहारी आरती प्यारी बल्की मेरे मन मो है प्यारी बल्की मेरा मन मो है देख छवि बलिहारी गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया तारी जिसने तारी दुनिया तारी जिसने तारी दुनिया तारी शांति ब्रह्म शांति सर्वोन शांति 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 सर्वा शांति पुष्प दे दीजिए।
ओम जगनी जगनमयम देवा स्थान धर्मा प्रतमान्य संते नाकम महिमान सजंति पूर्वी साध्या संते देवा हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदया हरि ओम गणंबिकायै च विद्महे कर्म सिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदया हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदया हरि ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदया हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया ते नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मारत ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधी सुमन सुमन सुगंधी वाल पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो श्रीदार वन पुष्पांजलि पुष्पम समर्पयामि नमः बोलि वृंदावन बिहारी लाल की जय महारानी सरकार की जय भागवत भगवान की जय व्यासी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय महाकाल भगवान की जय शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय हो बाबा महाराज की जय हो रेड सरकार की जय हो सुखदेव महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाथ हो कार्यों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव धातु प्रकृत्वा मरुता
मेरे हाथ में चावल ले लो, चावल अपने सभी देवताओं का ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे, भूले जिसमें भी सभी से आह्वान ध्यान करेंगे प्रभु आकर के मेरी यज्ञ में सम्मिलित हो। चावल अपने सामने नीचे वाली वेदी पे छोड़ेंगे और नमः बोलते जाएंगे। ओम नमः नमः भाई साहब तो नहीं बोल रहे, चावल नहीं है आपके पास, दे तो भाई तो हाथ लगा ले, श्री नारायणाधिपते नमः उमामेश्वराभ्यां नमः बाहिरण्यरवाभ्यां नमः सजीवपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृसङ्गमेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टादेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ नगरदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो महर्षिभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो इष्टादेवताभ्यो नमः एतत्कर्म प्रार्थयता श्रीमहागणाधिपते नमः। हाथ जोड़ी प्रार्थना करेंगे मध्य प्रदेश
और ब्रह्मा।